बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और नई इंटरव्यू के साथ हम हाजिर हैं। आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं एक वेटर का रेस्टोरेंट में, जो होटल में जॉब कर रहे हैं। पूछते हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसा है और वो क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक छोटे से रेस्टोरेंट में जॉब करते हुए और एक होटल के अंदर जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर जॉब करने में कितना फ़र्क है? सर, इधर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इदारे में एक में हम काम कर रहे हैं, इधर बड़ा मज़ा आता है हमें, क्योंकि हर चीज़ का इंतज़ाम है, इलेक्ट्रीशियन सफाई वाले और हर चीज़ का प्रॉपर इंतज़ाम है। जो कि लोकल होटल होते हैं, जो छोटे इदारे होते हैं, उधर ये नहीं होता सब। इलेक्ट्रीशियन वगैरह बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो इधर नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा, यूनिफॉर्म भी आप लोगों को यहीं से मिलता है? जी सर, वो भी मिल जाते हैं, सब हो जाता है, हमें मिलते हैं सारे। अच्छा, तो आप लोग माशाल्लाह कितना अर्न कर लेते हो मंथली? आपकी सैलरी क्या होती है और क्या लॉस बात होते हैं इसके साथ? सर, हमारी 18,000 रुपया सैलरी है और साथ में पॉइंट भी निकल गया टिप वगैरह, वो मंथली तकरीबन हवाई रोज ही होती है, कभी 3 से लेकर 6-7 हज़ार तक मंथली हो जाती है। मंथली हो जाती है। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि इसके अलावा जो आपको खाना पीना है, तो खाने पीने में आप लोगों की क्या सहूलियत मिलती है, मतलब खाना कैसे करते हैं और क्या लवाजमात होते हैं? सर, सब कुछ मिल जाता है। ऊंचा पुत्र कैफेटेरिया में खाना मिल जाता है 3 टाइम, और जो कैफेटेरिया में रोस्टर लगा होता है, डेली बाय कैंप पकना होता है सर, वो अच्छा खाना मिल जाता है। अच्छा, और आपको आपको रैश वगैरह भी मिली हुई है? जी सर, रैश वगैरह सब कुछ मिली हुई, रैश पे कूलर टंगे हुए पानी वाले, ठंडी रैश मसाला, गर्मी महसूस नहीं होती। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा माहौल है, कि हर लिहाज से आपको माशाल्लाह खाना पीना रैश हर चीज़ बेहतरीन है? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छा हम फील करते हैं यहाँ पर आकर। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं देख रहा हूँ साथ में लेडीज़ भी हैं, लेडीज़ स्टाफ भी है, तो आप ये देख रहे हैं कि होटल के अंदर लड़कियाँ भी जॉब कर रही हैं, तो मुझे ये बताएं कि कैसा माहौल है, आप कंफर्टेबल हैं इस माहौल के अंदर? जी सर, यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है, कंफर्टेबल है ना, 3 लड़कियाँ हम जॉब करती हैं, बहुत अच्छा माहौल मिलता है, किसी किस्म का मतलब कोई मसला परेशानी नहीं हो रही। अच्छा, पहले जिस तरह था कि लड़की नहीं थी जॉब करी होटल रेस्टोरेंट के अंदर, और इस होटल के अंदर ये स्पेशली देखते हैं कि हम काफ़ी लड़कियां काम कर रही हैं, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिला हुआ जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे काम कर रही हैं? जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छा माहौल है और अच्छा फील करते हैं हम यहाँ पे, अपना खुद को सेव करते हैं। 9 से 10 घंटे ड्यूटी होती है, कोई मसला किसी किस्म का कोई मसला परेशानी नहीं होती, खुद को हम प्रॉपर तरीके से ना सेव करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखा आप लोगों ने, इन लोगों ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि एक छोटे रेस्टोरेंट में और एक होटल के अंदर जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे काम करने में बहुत फ़र्क है। इनको ये तमाम सहूलियात मिलती हैं, एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, यूनिफॉर्म इनको मिलता है, खाना पीना मिलता है, और सैलरी अच्छी है, बोनसेस इनको मिलते हैं, और ज़बरदस्त ऐसे स्टाफ को देख के माशाल्लाह के चेहरों से भी पता चल रहा है ये लोग कितने फ्रेश और कितना अपने काम को इन्जॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।